इजराइल ने हमास का नेवी कमांडर रताब अबू साहिबान को किया ढेर। गाजा ब्रिगेड की नेवी का कमांडर था अबू साहिबान। हमास का एयर चीफ इजराइल के हमले में ढेर, अबू रकबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। हमास के लिए ड्रोन, पैराशूट और एयर डिफेंस सिस्टम बनाता था अबू रकबा। 7 अक्टूबर को हुए हमले का मास्टरमाइंड था। हमास के खिलाफ इसराइल की नई रणनीति, स्पंज बम का इस्तेमाल कर सकता है इसराइल। सुरंगों में छिपे हमास के आतंकी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है स्पंज बम। फोम छोड़कर सुरंग को बंद कर सकता है ये बम। गाजा में हमास ने बिछाया है सुरंगों का जाल। सुरंग में छिपे आतंकियों को बनाया निशाना, इसराइल के लिए है बड़ी चुनौती। हिजबुल्ला का इसराइल पर मिसाइल हमला, हिजबुल्ला का हमला हुआ नाकाम, सीरिया में गिरी मिसाइल। हिजबुल्ला के ने नाकाम हमले पर इसराइल ने दिया जवाब, इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकाने पर बरसाए बम। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, हमास के 150 ठिकानों पर किया हमला। इजरायली सेना ने हमास के अंडरग्राउंड ठिकानों को किया तबाह, इजरायल का दावा कई आतंकवादी मारे गए। गाजा में घुसे इजरायली टैंकों का IDF ने जारी किया वीडियो, ताबड़तोड़ हमले करते दिखे टैंक, हमास के ठिकानों को नष्ट किया। हमास के खिलाफ इजरायली सेना का एक्शन तेज, कई इलाकों में IDF ने की छापेमारी, अब तक 10 लोग गिरफ्तार, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर। गाजा पर इजरायल का जमीनी अभियान जारी, गाजा में घुसे इजरायली सैनिक और टैंक, IDF ने तेज किए अपने हमले। फिलिस्तीन में घुसे इजरायली सेना और टैंक, फिलिस्तीन का दावा, फिलिस्तीन के इलाके में भीषण बमबारी। गाजा पर हमले को लेकर इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान, और तेज करेंगे अपना अभियान। गाजा में इजरायली सैनिकों की एंट्री के बाद तेज हुए हमले, उत्तरी गाजा में जगह जगह विस्फोट। गाजा पर इजरायल का अटैक लगातार जारी, दूर तक दिखाई दे रही है हमले की रोशनी। इजरायल गाजा बॉर्डर क्षेत्र में सुनाई दी विस्फोट की आवाजें, कैमरे में कैद हुआ धमाका। जमीनी हमले की तैयारी से बढ़ी हमास की और ज्यादा परेशानी, इजरायल पर दागे रॉकेट, डोम सिस्टम से हमले को पूरी तरह से नाकाम किया। गाजा में अलशिफा अस्पताल के नीचे चल रहा हमास का हेडक्वार्टर, इजरायली सेना ने किया दावा। आतंकी संगठन हमास को लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, गाजा में अस्पताल के अंदर सुरंग में छिपे हैं आतंकी, जारी किया वीडियो। गाजा में इजरायल के हमले में अब तक 7,300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, हमास ने किया दावा, कई हजार लोग घायल। इजरायल पर हमास के हमले लगातार जारी, अब तक 1400 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, हमास की कैद में 229 लोग। इजरायल हमास जंग के बीच UN में युद्ध को रोकने का प्रस्ताव पास, युद्ध विराम प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 120 वोट। UN में अमेरिका, इजरायल समेत 14 देशों ने की युद्ध विराम प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग, भारत समेत 45 देशों ने नहीं किया वोट। युद्ध विराम प्रस्ताव पास होने पर भड़का इजरायल, कहा ये दिन एक कलंक की तरह, युद्ध विराम समर्थक देशों से पूछा कैसे दे सकते हैं आतंकियों का साथ। इजरायली राजदूत ने युद्ध विराम और मानवीय सहायता का किया विरोध, UN पर लगाया हथियारों को बचाने का आरोप। हमास ने युद्ध विराम को लेकर पास हुए प्रस्ताव पर जताई खुशी, कहा प्रस्ताव को जल्द लागू किया जाना चाहिए। भारत ने युद्ध विराम को लेकर हुई वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा, बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने की हमास के हमले की निंदा, कहा बातचीत के रास्ते निकालना चाहिए हल, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। गाजा में युद्ध विराम प्रस्ताव पर भारत की वोटिंग से बाहर रहने पर प्रियंका वाड्रा ने उठाए सवाल, बोली ऐसे मामलों में स्टैंड लेने से इनकार और चुपचाप देखना गलत। इजरायली नेवी ने हमास के ठिकानों को किया तबाह, हमास इजरायल में घुसपैठ की कर रहा था कोशिश। इजरायल की नेवी पुलिस कर रही है समुद्र की निगरानी, गाजा बॉर्डर के पास गश्त कर रही है पुलिस। न्यूयॉर्क में बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर की गई प्रार्थना, खाली छोड़ी गई शब्बत टेबल की कुर्सियां। न्यूयॉर्क की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लोगों ने इजरायल के खिलाफ किया प्रदर्शन, फ्री फिलिस्तीन के लगाए नारे।
न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, वीडियो आया सामने। केरल में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, ऑनलाइन शामिल हुए हमास नेता खालिद मशेल, बीजेपी की मांग, विजयन सरकार करे कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में हुई नियुक्ति। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने युवाओं को दी शुभकामनाएं, बोले युवा शक्ति मजबूत होगी तो देश विकास करेगा। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जीते 111 मेडल, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल, पीएम मोदी ने दी पैरा एथलीट्स को बधाई। पैरा रोअर अनीता और नारायण को मिला सिल्वर, पीआर3 मिश्रित युगल स्कल्स ने जीता पदक। पैरा एशियन गेम्स में शीतल ने रचा इतिहास, तीरंदाजी में शीतल ने 2 गोल्ड मेडल जीता। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा SC ST OBC को सही जगह नहीं मिली, हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। पाराबोलिक ड्रग्स केस में ईडी ने अशोका यूनिवर्सिटी के दफ्तर में की छापेमारी, 1600 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है केस। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, अब तक 6 लोगों ने की खुदकुशी। गीता प्रेस के ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन, सीएम योगी ने जताया दुख। आज औरैया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आज होगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, रात 1:05 से 2:23 तक चंद्र ग्रहण का समय, 9 घंटे पहले से सूतक काल। यूपी के सीएम योगी ने शरद पूर्णिमा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा सौभाग्य का अमृत बरसता रहे। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर लगाई डुबकी, भक्तों ने शरद पूर्णिमा पर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा में लगाई डुबकी। मथुरा में शरद पूर्णिमा के मौके पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब, दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। बीजेपी ने हरियाणा में बदला प्रदेश अध्यक्ष, नायब सैनी को मिली नई जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मानित। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट, लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर ईडी की रेड पर बोले टीएस सिंहदेव, कहा ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी का पलटवार, कहा ईमानदार है तो डर किसका, ईडी की रेड पर अशोक गहलोत ने केंद्र का किया था घेरा। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बयान, कहा ईडी ने अब तक 5,000 जगहों पर किया रेड, 1,45,000 करोड़ रुपए रिकवर करने का दावा भी करते नजर आए। आज से 3 दिवसीय एमपी के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, चुनाव की रणनीति पर होगा फोकस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, पीएम मोदी शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 35 उम्मीदवारों की सूची, बुधनी से मिर्ची बाबा को दिया टिकट। मौलाना महमूद मदनी ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के शामिल होने का किया विरोध, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गलत। स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र, गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग, स्मृति ने कहा पूरे जिले को मिलेगी सुविधा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी विधायक की कार पर हमला, विधायक ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। दिल्ली में गोगी गैंग का एक शार्प शूटर गिरफ्तार, पैसे वसूलने के दौरान क्राइम ब्रांच ने गिरफ्त में लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमृत कलश यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 1400 प्रतिनिधि मिट्टी लेकर दिल्ली रवाना हुए। वर्ल्ड कप के व्यूअरशिप में 43% इजाफा, स्टेडियम आने वाले दर्शकों की संख्या 2019 के मुकाबले 1.90 लाख ज्यादा। दिवाली से पहले महंगी हुई सब्जियां, दिल्ली में 80 रुपए किलो बिक रहा है प्याज, मुंबई और आगरा में भी बढ़े दाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषित किए दूसरी तिमाही के नतीजे, 27% बढ़कर 17,394 करोड़ रुपए रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट।
मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी, 20 करोड़ रुपए भी मांगे। अज्ञात लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन, विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1000 करोड़ में डील फाइनल। दिल्ली की हवा आज भी हुई खराब, AQI 286 तक पहुंच गया, कई इलाकों में AQI 200 के पार। मुंबई में हवा की गुणवत्ता में आज भी गिरावट, मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में दिखी धुंध की चादर। दिवाली से पहले बाजारों में दिखने लगी है रौनक, राजकोट में बढ़ी रंगोली बनाने वाले रंगों की मांग। कानपुर में वकील ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र, हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कार्रवाई न होने पर पत्र लिखा। जयपुर में निर्वाचन आयोग की सुविधा ऐप से प्रत्याशी ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन, हेलीकॉप्टर रैली की अनुमति भी ऑनलाइन लेनी होगी। राजस्थान के जैसलमेर के 50 गांवों के लोगों ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान, रोजगार नहीं तो वोट के लगाए नारे। बिहार के बगहा में राम भद्राचार्य महाराज का 30 अक्टूबर को होगा आगमन, 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगा कथा का आयोजन। यूपी के बस्ती में अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे में कोई जनहानि नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नाकाबंदी कर बरामद किए 27 लाख रुपए, बड़ी मात्रा में नकली घी, विस्फोटक सामान जब्त किए गए। बिहार के सिवान में पुलिस ने 2 ऑटो से विदेशी शराब के 36 कार्टून किए जब्त, मामले में 5 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बगहा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण, घटना के दौरान अज्ञात कारण से झोपड़ियों में लगी आग। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के लेविंस्टन में शूटआउट के 48 घंटे बाद मृत मिला हत्या का आरोपी, अंधाधुंध फायरिंग में 22 लोगों की हुई मौत, सुरक्षा बलों को खुदकुशी करने का शक। मेक्सिको में साइक्लोन ओटिस ने मचाई तबाही, अब तक 27 लोगों की मौत, 4 लोग लापता। मेक्सिको में तूफान की वजह से भारी नुकसान, कई जगहों पर फैला दिखा मलबा, राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मेक्सिको में तूफान के बाद सड़कों पर बिखरा मलबा, कई घरों में हुई लूट की वारदात। मेक्सिको के अलापुल्को में हालात हुए खराब, कई इलाकों में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, व्हाइट हाउस ने कहा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में झाड़ियों में लगी भयंकर आग, कई घरों को कराया गया खाली, आग बुझाने का काम अब भी जारी। सर्बिया हंगरी बॉर्डर के पास फायरिंग, 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, 1 घायल। Zee News.